हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योर सेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आइए शुरू करें। माय डियर रीडर्स, आज की वीडियो में हम आपको सो दैट का यूज़ सिखाएंगे। इसकी डेफिनेशन है, जब वाक्य में ताकि, जिससे कि, या बहुत डैश डैश इसलिए, अत्यधिक डैश डैश अतः शब्द आए तो इसका यूज़ किया जाता है। इसमें भी लेस्ट यूज़ की तरह दूसरा वाक्य पहले वाक्य का संभावित परिणाम होता है। आइए इसका रूल देख लेते हैं। जब ताकि या जिससे कि शब्द आए तो इस वाले रूल से हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला वाक टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, इसके बाद सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है, पहला वाक टेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, इसके बाद सो दैट प्लस कर्ता प्लस मे या माइट प्लस मुख क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब हम सो दैट के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला वाक है, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके। वह परीक्षा पास कर सके, ये दूसरा वाक है जो कि पहले वाक पे डिपेंड है। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह परीक्षा पास कर सकता है। तो जब पहले वाक का असर दूसरे वाक पे पड़े तो वो हमारा सो दैट का यूज़ होता है। इसमें देखिए ताकि शब्द भी आ रहा है। ऐसे वाक में अगर पहला वाक हमारा प्रेजेंट में होगा तो दूसरा जो वाक बनेगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब मे का यूज़ करेंगे। अगर पहला वाक पास्ट में है तो दूसरे वाले वाक में हम हेल्पिंग वर्ब माइट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए किस तरीके से बनेगा। उसने कड़ी मेहनत की, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सेंटेंस बनेगा शी वर्कड हार्ड, इसके बाद सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट शी, इसके बाद में माइट लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में पहला वाक है, इसके बाद मेन वर्ब पास और फिर ऑब्जेक्ट द टेस्ट। सेंटेंस बनेगा शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास द टेस्ट। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। उसने फ़ोन को टेबल पर छोड़ दिया ताकि वह परेशान ना हो। तो उसने फ़ोन को टेबल पर छोड़ दिया, पास्ट में ये भी टेंस है, तो हम इसमें भी अगले वाक में माइट का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। इसमें भी देखिए ताकि शब्द आ रहा है। सेंटेंस बनेगा उसने फ़ोन को टेबल पर छोड़ दिया, इतना बनेगा ही लेफ्ट द फोन ऑन द टेबल, इसके बाद सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट ही और फिर माइट और इसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद में मेन वर्ब बी डिस्टर्ब। सेंटेंस बनेगा ही लेफ्ट द फोन ऑन द टेबल सो दैट ही माइट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। एक और सेंटेंस देखिए, रोहन रोज़ाना दौड़ता है ताकि रेस जीत सके। वो रेस जीत सके, ये संभावना तब बनेगी जब वो रोज़ाना दौड़ता है। तो सेंटेंस ये पहला वाला वाक प्रेजेंट में है तो हम अब मे का इस्तेमाल करेंगे अगले वाक में। सेंटेंस बनेगा रोहन रन्स डेली सो दैट, इसके बाद में सब्जेक्ट ही और फिर मे, इसके बाद मेन वर्ब विन और ऑब्जेक्ट द रेस। सेंटेंस बनेगा रोहन रन्स डेली सो दैट ही मे विन द रेस। एक और वाक देखिए, हम खाते हैं जिससे कि हम जी सकें। तो ये पहला वाक प्रेजेंट में है तो इसमें भी दूसरे वाक में हम मे वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा हम खाते हैं वी ईट, इसके बाद सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट वी, इसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा मे और मेन वर्ब लिव। सेंटेंस बनेगा वी ईट सो दैट वी मे लिव। गाइस, अब हम सो दैट के दूसरे टाइप वाले सेंटेंस देख लेते हैं। जब वाक में बहुत डैश डैश इसलिए शब्द आए तब हम इस रूल का इस्तेमाल करके वाक को बनाएंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस पूरक प्लस सो दैट प्लस कर्ता प्लस कैन या कुड प्लस मुख क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। गाइज, इस टाइप वाले वाक में भी अगर पहला वाक हमारा प्रेजेंट में होगा तो दूसरे वाक में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर पहला वाक हमारा पास्ट में होगा तो हम दूसरे वाक में कुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, वह बहुत छोटी है इसलिए वह धूम्रपान नहीं कर सकती। इसमें देखिए बहुत शब्द भी आ रहा है और इसलिए शब्द भी आ रहा है तो हम इसका यूज़ करेंगे। पहला वाला वाक हमारा प्रेजेंट में है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे दूसरे वाक में। सेंटेंस बनेगा वह बहुत छोटी है तो शी इज़ टू यंग सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट शी, इसके बाद कैन नॉट, इसके बाद मेन वर्ब स्मोक। सेंटेंस बनेगा शी इज़ टू यंग सो दैट सी कैन नॉट स्मोक। गाइज, बहुत के लिए हमेशा हम ऐसे वाक में TOO का इस्तेमाल करेंगे।
एक और सेंटेंस देखते हैं, बहुत देर हो चुकी है इसलिए हम सिनेमा नहीं जा सकते। बहुत शब्द आ रहा है और साथ ही इसलिए शब्द भी आ रहा है, तो हम बनाएंगे बहुत देर हो चुकी, इट इज़ टू लेट, इसके बाद सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट वी, और पहला वाक हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज़ करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब गो, इसके बाद इसमें प्रीपोजिशन लगेगा टू और ऑब्जेक्ट आएगा सिनेमा। पूरा सेंटेंस बनेगा, इट इज़ टू लेट सो दैट वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। तो आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं गाइज। सो दैट वाले वाक में पास्ट टेंस अगर वाक है, पास्ट टेंस में अगर वाक है तो हम माइट की जगह पर वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस है, उसने झूठ बोला ताकि लोग उसे मारे ना। तो पहला वाला जो हमारा वाक है वो पास्ट में है, तो हम अगले वाले वाक में माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इच्छा अनुसार वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस बनेगा, ही टोल्ड अ लाई सो दैट वुड नॉट का, इसमें शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ वुडेंट बीट हिम। तो आप चाहें तो ही टोल्ड अ लाई सो दैट पीपुल माइट नॉट बीट हिम भी लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए गाइज, उसने चाबी ली जिससे कि वह ताला खोल सके। तो इसको भी हम बनाएंगे, सेंटेंस बनेगा, ही टूक द कीज सो दैट ही वुड ओपन द लॉक। आप वुड की जगह माइट का भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। अब हम एक और नोट इसका समझ लेते हैं, ताकि या जिससे कि वाले वाक्यों में सो दैट के स्थान पर इन ऑर्डर दैट या सिर्फ दैट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। हम पढ़ते हैं ताकि अच्छी नौकरी पा सके, यहाँ पे जो ताकि शब्द आ रहा है इसके लिए आप सो दैट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इन ऑर्डर दैट या सिर्फ दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस बनेगा, वी गेट डिग्री इन ऑर्डर दैट वी मे गेट अ गुड जॉब, या सिर्फ दैट का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, वी गेट डिग्री दैट वी मे गेट अ गुड जॉब। एक और सेंटेंस देखिए, उसने माँ को आवाज़ दी ताकि खाना मांग सके। सेंटेंस बनेगा, ही कॉल्ड द मदर दैट ही माइट आस्क द फूड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दैट का मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि सो दैट का ये यूज़ आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और बेसिक सीखने के बाद टेंस सीरीज की शुरुआत कीजिए ताकि कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट पा सके। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।